ओके, प्रोसीडिंग फर्दर वी कम टू एक्सरसाइज 5.1, एट्थ क्वेश्चन। यार यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर इस 1 - i^4, इसे मैंने जेड लिया हुआ है और इसे हम a+ib फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ईजी है, यू कैन एट दिस एज 1 - i^2 × 1 - i^2, देन दिस गिव्स यू 1 - i^2, इट इज़ नथिंग बट 1 - 2i + i^2, और इसे आप चाहो तो ब्रैकेट स्क्वायर कर दीजिए। वाई 1 - i^2 × 1 - i^2, ये आपका 1 - i^2 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। इन शॉर्ट, ओके सी दिस, यू कैन एड दिस इन टू दिस फॉर्म। ओके, हमने सबसे पहले 1 - i ब्रैकेट स्क्वायर जो है इसे एक्सपांड किया है, ये वाले स्क्वायर को एक्सपांड किया है, वी गेट a² - 2ab + b², दिस लीड्स टू 1 - 2i - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये जो i स्क्वायर है ये माइनस 1 हो जाएगा, 1 and 1 गेट कैंसल, यू गेट -2i² ऑफ इट, दिस गिव्स यू 4i², दिस इज 4 × -1, आंसर इज -4। नाउ यू कैन राइट दिस -4 as -4 + 0i, तो ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो गया a+ib फॉर्म में, जहाँ पे a जो है वो -4 है और b जो है वो 0 है। सॉल्व करना बहुत 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 ईजी है। ओके, सिर्फ आपको जो 1 - i^4 दिया है, ऐसे 1 - i² का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर हम 1 - i² जो है इसमें a - b ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, हमें ये मिलेगा एंड देन वी स्क्वायर इट। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आ रहा है, तो ऐसे केस में इस नंबर को कहा जाता है प्योरली रियल नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाता है प्योरली रियल नंबर। ठीक है, नाउ मूविंग टू दिस, इसमें सबसे पहले आप क्या करो, माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा 2 + 1/3i ब्रैकेट क्यूब। देखिए ये -2 - 1/3i है, तो इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन ले लिया, वी गेट 2 + 1/3i, लेकिन आप क्यूब देखिए, क्यूब अभी भी बाहर वाले ब्रैकेट को दिया हुआ है, मतलब माइनस उसमें अभी भी कवर है। अब किसी नेगेटिव नंबर का यदि आप क्यूब लेते हो तो वो नेगेटिव आता है, सो यू गेट -2 + 1/3i ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब जो क्यूब है ये अंदर दे दिया, लेकिन नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव ही आएगा, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस साइन आ गई। नाउ a + b ब्रैकेट क्यूब, ये आइडेंटिटी अप्लाई करो, तो आपको मिलेगा 2³ + यहाँ पे प्लस है अभी, हाँ +3a² b +3ab² + b³, यू गेट दिस। ओके, बाहर माइनस आएंगे सबके लिए कॉमन, ये हो गया 2³ which is 8, दिस 3 and 3 गेट कैंसल्ड, यू गेट +4i, दिस यहाँ पे 1/9 हो जाएगा, एक एक 3 कैंसिल हो गया, तो यू गेट +2/3i² या फिर आप i² को -1 ले लीजिए डायरेक्ट, वो भी चलेगा, एंड हियर +1/27i³ (i³ - i), यू गेट दिस। पहला 2³ जो है वो 8 हो गया, सेकंड में 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2² 4 होता है, यू गेट 4i, इस केस में 3 × 2 = 6 आएगा और डिनोमिनेटर में 3² 9 आएगा, 6/9 गिव्स यू 2/3, आगे आपको i² है, i² जो है ये हो जाएगा -1, तो ये पार्ट नेगेटिव हो गया। ओके, और ये 1/3 का क्यूब मीन्स 1/27 आएगा, i³ - i आता है। नाउ माइनस दिस इज 8 और ये -2/3, ये पार्ट और ये पार्ट दीज आर फ्री फ्रॉम i, तो ये 8 आ गया और ये -2/3, ये पार्ट और ये पार्ट इसमें i प्रेजेंट है, +4i - 1/27i, यू गेट दिस, ये 4i है और ये -1/27i है, दिस इज माइनस 3 at 24 - 2, दिस इज 22/3, एंड दिस 27 × 4 गिव्स यू 108 - 1 = 107, सो +107i / 27, दोनों टर्म नेगेटिव हो गए, यू गेट -22/3i -107/27i, ओके यू गेट दिस। सो दिस योर a+ib फॉर्म, जहाँ पे a जो है ये -22/3 है और b जो है इट इज -107/27। ओके, बहुत ही सिंपल है, ब्रैकेट स्क्वायर्स एक्सपांशन, ब्रैकेट क्यूब एक्सपांशन, कन्वर्टिंग देम इनटू a+ib। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।